हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा जैकपॉट गेमिंग FF में। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंडल्स के बारे में गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं गाइस हमारे फ्री फायर के सबसे बड़े न्यू प्लेयर और सबसे बड़े प्रो प्लेयर के बारे में गाइस, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बंडल्स के बारे में। तो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जो फ्री फायर जो गेम है ना, वो मतलब अब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है यार। तो यार इसमें बंडल्स भी कुछ ज़्यादा रेयर होते जा रहे हैं यार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे रेयर और काफ़ी ओल्डेस्ट बंडल के बारे में। तो गाइस सबसे जो पुराना जो बंडल है, स्टार्टिंग करते हैं अपने वन नंबर से गाइस, तो वो है आपका सकूरा ब्लॉसम बंडल। तो गाइस सकूरा ब्लॉसम जो बंडल है ये वाला, तो गाइस ये बहुत ही सबसे पुराना बंडल है, क्योंकि ये सबसे पुराने एलाइट पास में आया था। क्योंकि गाइस ये सकूरा एलाइट पास में आया था हमारे, तो इसलिए ये सबसे पहला बंडल है और सबसे ओल्डेस्ट बंडल भी है। तो गाइस आपको क्या पता था कि सकूरा ब्लॉसम बंडल हमारा सबसे ओल्डेस्ट बंडल है फ्री फायर का? तो गाइस कमेंट में बताना। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सबसे रेयरेस्ट बंडल के बारे में। तो गाइस मैं आपसे पूछता हूँ कि जो फ्री फायर का सबसे रेयरेस्ट बंडल है वो कौन सा है? तो शायद आपका जवाब वो सकुराई या फिर हिप हॉप या फिर क्रिमिनल्स वगैरह में। लेकिन गाइस क्या आप करेक्टली आंसर दे सकते हो कि हमारा कौन सा एक ऐसा बंडल है जो सबसे ज़्यादा रेयर है, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास है? गाइस मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ये जो हमारा जो बंडल है, ये इंडिया सर्वर में 1000 लोगों से भी कम के पास गाइस ये बंडल होगा। तो ये बंडल है गाइस हमारा ग्रीन क्रिमिनल। यस गाइस, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये जोकर गाइस, ये ही इंडिया का सबसे रेयरेस्ट बंडल है गाइस, क्योंकि इस बंडल को 2021 में सबसे रेयरेस्ट बंडल माना गया है गाइस। और ये बंडल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो मतलब ज़्यादा अपनी लेवल कर पाए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इनकी लेवल हुई है। अगर आप भी एक ग्रीन क्रिमिनल ओनर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो गाइस मैं तीसरे नंबर पे आपसे अपना ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप फ्री फायर कब से खेल रहे हो? 1 साल, 2 साल या सिर्फ 6 महीने? तो गाइस आपको पता होगा कि फ्री फायर की लॉन्च डेट क्या है। तो गाइस नहीं पता तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर की लॉन्च डेट क्या है। तो गाइस फ्री फायर की लॉन्च डेट है गाइस 30 सितंबर 2017 में हमारा फ्री फायर लॉन्च हुआ था गाइस, और प्ले स्टोर में अवेलेबल हुआ था गाइस। तो गाइस क्या आपको ये फैक्ट पता था कि हमारा फ्री फायर 30 सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था? और आप कमेंट करके बताना कि आप कब से फ्री फायर को खेलते आ रहे हो गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने चौथे नंबर की तरफ। तो गाइस चौथे नंबर पे मैंने रखा है कि फ्री फायर तो सारे बंदे खेलते हैं गाइस, मैं भी खेलता हूँ, तुम भी खेलते हो, और ज़्यादातर बंदे ऑलमोस्ट बंदे खेलते हैं गाइस। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर का किंग कौन है गाइस, आज तक का किंग कौन है? तो गाइस मैं अपने इंडियन सर्वर से नहीं बात कर रहा हूँ गाइस, मैं पूरे ग्लोबल से बात कर रहा हूँ गाइस कि फ्री फायर में सबसे पहला किंग कौन माना था गाइस। तो गाइस आपको शायद नहीं पता होगा उसका नाम, तो मैं बताता हूँ गाइस आपको। फ्री फायर का जो पहला किंग था गाइस, उसका नाम था सुल्तान क्रॉस। यानी सुल्तान क्रॉस, अब आपने नाम भी नहीं सुना होगा भाई, ज़्यादातर बंदों को नहीं पता कि सुल्तान क्रॉस है कौन। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि उस बंदे का नाम है डायलेंट क्रॉस, जो कि उसको डायलेंट क्रॉस भी बताते हैं लोग, क्योंकि गाइस ये जो बंदा था ये मतलब सबसे पहले खेलता था और किसी को किंग माना जाता है गाइस, और सबसे पहले शायद बैजेस वगैरह खरीदता था ये बंदा, और ये इंडोनेशिया सर्वर से है गाइस। तो गाइस क्या आपको पता था कि डायलेंट क्रॉस का नाम भी सुल्तान क्रॉस है गाइस? तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और अब हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर के सबसे बड़े इंडियन सर्वर में सबसे प्रो प्लेयर के बारे में। जी हाँ गाइस, जो अपने इंडियन सर्वर में सबसे ज़्यादा प्रो प्लेयर है वो कौन है? तो गाइस ज़्यादातर बंदे सोच रहे होंगे गाइस कि हमारे अज्जू भाई अजय नाम है शायद। तो गाइस अजय नागर तो अपने केलिमिनाटी भाई हो गए, लेकिन अजय जो अज्जू है वो फ्री फायर के प्लेयर में सबसे टॉप पर नहीं आते। हाँ गाइस आप सही सुन रहे हो, हमारे जो फ्री फायर के इंडियन सर्वर में जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रो प्लेयर है गाइस हमारे रायस्टार भाई। तो गाइस रायस्टार भाई बिल्कुल हैकर की तरह खेलते हैं गाइस, और उन्हें इतनी प्रैक्टिस करी है कि गाइस कोई भी नहीं करता होगा इतनी, फ्री फायर को इतना टाइम नहीं देता होगा। उन्हें फ्री फायर को इतना टाइम दिया गाइस कि आज वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं गाइस, और
क्या आपको पता था कि हमारे राइस्टार भाई इंडिया के सबसे अच्छे प्लेयर हैं या बेस्ट प्लेयर हैं गाइस? तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं पता था तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना अपना तुम्हारी क्या राय है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ गाइस, जो है हमारे ग्लोबल में सबसे ज़्यादा नूब प्लेयर के बारे में। जी हाँ गाइस, तो सारे बंदे सोच रहे होंगे भाई बॉट हो गए नूब, तो लेकिन बॉट को हम नूब नहीं कह सकते गाइस, क्योंकि वो तो कंप्यूटर से बने होते हैं ना इसलिए। लेकिन जो हमारा जो फ्री फायर सबसे बड़ा नूब प्लेयर है वो कौन है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे पड़ेगा भाई कि सबसे नूब प्लेयर कौन है, क्योंकि जो सबसे पहले डाउनलोड करेगा शायद वही सबसे बड़ा नूब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हमारे फ्री फायर में पूरे ग्लोबल में सबसे बड़ा नूब है गाइस हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडिया से गाइस। तो उनका नाम है भाई लोकेश गेमर, जिनके करीब 10.3 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं गाइस। जी हाँ गाइस, ये जो आप स्क्रीन पे अपने भैया को देख रहे हो ये हमारे लोकेश गेमर हैं। ये सबसे ज़्यादा बैजेस खरीदते हैं, और क्योंकि इनके पास एक भी हीरोइक की टी शर्ट नहीं है और इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इसलिए इनको सबसे बड़ा नूब कहा गया है। लेकिन भाई यार, ये बंदा मतलब सिर्फ गिव अवे या मतलब सब बंदों को गिव अवे करता है बस, अपना खेलने से इनको कोई गेम प्ले से कोई मतलब नहीं है इनको। क्योंकि ये जो लोकेश गेमर थे भाई, ये दिखाना चाहते थे कि वर्ल्ड को कि सिर्फ गेम प्ले से ही ग्रो नहीं कर सकते, और अदर स्किल्स भी चाहिए होती हैं गाइस। तो इनने बस यही करा अपना, और गाइस बस गिव अवे करके, और आज ये अपने 10 मिलियन से भी ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके यूट्यूब पे खड़े हैं। तो गाइस ये जो बंदा है गाइस लोकेश गेमर यार, ये भी बहुत ज़्यादा बैजेस खरीदता है, और डायलेंट प्रोस यानी सुल्तान प्रोस और हमारे लोकेश गेमर की हमेशा फाइट रहती है कि कौन ज़्यादा बैजेस खरीदेगा। तो गाइस आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि लोकेश गेमर के बारे में, जो कि है कि हमारे लोकेश गेमर के पास एक भी हीरोइक की टी शर्ट नहीं है गाइस। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो कि हमारे जो लोकेश गेमर हैं उनके पास एक भी हीरोइक की टी शर्ट नहीं है, क्योंकि वो खेलते कम है गिव अवे ज़्यादा करते हैं गाइस इसलिए। तो गाइस क्या आपको फैक्ट पता था हमारे लोकेश गेमर के बारे में? क्या हमारे लोकेश गेमर इंडिया के सबसे बड़े या ग्लोबल के सबसे बड़े नूब प्लेयर कह सकते हो या नहीं? तो गाइस कमेंट करके अपनी राय जरूर देना यार, और कौन कौन उनके फ़ैन है जरूर बताना है मेरे को। तो गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चल, जो लास्ट मेरा है इसमें, तो मैंने लास्ट पे रखा है कि ज़्यादातर बंदों को ये नहीं पता कि गाइस फ्री फायर का जो फादर है, जैसे अपने इंडिया के हो गए गाइस महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, तो गाइस फ्री फायर का फादर कौन है? फ्री फायर को किसने बनाया गाइस? कहा आपने कभी ये क्वेश्चन सोचा अपने मन में? तो गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि फ्री फायर का फादर है गाइस फॉरेस्ट ली नाम के जो इंसान है, जो कि बिलियनेयर्स की लिस्ट में भी आते हैं गाइस। क्योंकि हमारे फ्री फायर के इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं कि अब वो जो जिस बंदे ने इसको बनाया था यानी फॉरेस्ट ली जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे अभी, तो ये बंदा भी गरेना के सबसे मतलब रिचेस्ट पीपल में आ जाता है गाइस ये, क्योंकि ये इन्हीं ने हमारे फ्री फायर को लॉन्च करा था और मतलब क्रिएट करा था गाइस। तो गाइस क्या आपको ये फैक्ट पता था कि हमारे फ्री फायर को फॉरेस्ट ली नाम के एक इंसान ने बनाया है गाइस? तो गाइस आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार प्लीज़ बस, और कमेंट में बताना और आपको क्या क्या चाहिए गाइस, और ऐसी नई नई वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm coming home, I'm coming home, tell the world.